अगर आप बिना एग्जामिनर का माइंडसेट समझे जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो आप उस बिजनेसमैन की तरह हो जिसे अपना कस्टमर का डिमांड ही नहीं पता। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं आईआईटी बॉम्बे में था तो हमारे एक फिजिक्स फैकल्टी थे जो जेई का पेपर सेट किया करते थे। एक दिन मैं उनसे पूछ लिया कि सर व्हाट इज द बेसिस ऑन विच जेई एडवांस पेपर इज सेट। तब उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग रिप्लाई दिया कि आईआईटीज वर एस्टैब्लिश्ड विद द मोटो ऑफ नॉट जस्ट टीचिंग इंजीनियरिंग बट ऑल्सो प्रोमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो देश को आगे लेके जाए। सो वॉट वी आर लुकिंग फॉर इज एन इंजीनियर कम साइंटिस्ट सूटेबल फॉर रिसर्च। इसके लिए सबसे असेंशियल है इनोवेटिव स्किल, जिसका मतलब है हाउ वेल कैन यू अप्लाई योर एग्जिस्टिंग नॉलेज इन न्यू एरियाज। फॉर एग्जाम्पल, आप स्पीयर और अदर शेप्स के लिए आप इनर्शियाज या सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला रट के जाओगे, बट वो वेरिएबल मास डेंसिटी देकर आपसे सेम इनर्शिया पूछ लेंगे जिसमें कोई स्टैंडर्ड फार्मूलाज एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर, जिनको एग्जामिनर के एक्सपेक्टेशन नहीं पता, वो ये रोते रहते हैं कि हम पढ़ के तो कुछ और गए थे और एग्जामिनर ने तो कुछ और ही पूछ लिया। रिमेंबर, PYQs इज द ओनली मीडियम टू अंडरस्टैंड एग्जामिनर्स एक्सपेक्टेशन। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच JEE स्ट्रैटेजीज।